काबर मान लो अगर झगड़ा के बात आ गए तो दुनिया में हासिल होने वाला कुछ नहीं भाई। ए तरफ से लाठी उठी, ए तरफ से लाठी उठी, यहू डहर चार झन के मूड फूटी, यहू डहर चार झन के मूड फूटी, पुलिस वाला के फायदा होगी, पुलिस वाला के फायदा होगी। खेती खार बेचाजत है, पेशी रंगई में मार पीट से अगर कोई चीज सुलझ जही कभे तो गलत बात है भाई, नहीं तो भगवान राम का असमर्थ रहेगा। अरे भिगुटी बिलाव से सृष्टि लय होई, जिनके एक भौहे के टडेर देने से पूरा विश्व नष्ट हो सकता है, वो रावण ला बचाती भगवान। लेकिन अभी भी भगवान नहीं चाहते कि अभी भी रावण मोर लड़ाई हो जाए करके। इसलिए निवेदन है, हमेशा कोई भी काम को सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, उलझाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। अगर मान लो बस्ती में काकरो से काकरो झगड़ा हो थे तो मतलब समझाए की कोशिश करना चाहिए, दोस्ती के डोरी ना बढ़ाए की कोशिश करना चाहिए। ये बात अलग है, रावण जैसे पागल आदमी पल्ला पड़ गए तो वो बात अलग है। अब रावण ला सबो जन समझाते, रावण काकरो बहिनी बेटी लान के ते है ओकरे साथ झगड़ा कर दे, ये नहीं बने। काबर अंगद की इस रावण, अरे तोर जैसे पंडित तोर जैसे ज्ञानी, लेकिन ओकर बाद भी तोला समझदारी नहीं है। का कपी धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृति पर त्रिय चोरी, और देख नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरो धर्म। अपन आपला धर्म के पालन समझता, यही तोर धर्म है, यही तोर नीति है, यही तोर राजनीति है। कोई बेवस औरत के ऊपर कोई मजबूर औरत ला सुनना कुटिया जान के हरण करके ले आने, और अपन आपला बहुत बड़े राजा समझता। पर धन पत्थर समझो पर त्रिय मात समान, और यहां पर घरी नहीं मिलत कह तुलसीदास जबान। भगवान सब जगह रहते भी, मात्र दू जगह छोड़ के भगवान सब जगह रहते हैं। कैसे सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, हरि व्यापक सर्वस्त्र शमाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह रथे भैया, मात्र दू जगह छोड़ के बाकी सब जगह रथे भगवान, दू जगह छोड़ के बाकी सब जगह रथे। कौन कौन? पर धन पत्थर समझो पर त्रिय मात समान, और यहां पर घरी नहीं मिलत गए तुलसीदास जवान। काकरो कमाए हुए धन में अगर हम लालच करबो ना तो भगवान वो समय हमारे साथ छोड़ दे। कोई अगर मेहनत करके अगर धन इकट्ठा करे है, रात दिन पसीना उगार के अगर धन इकट्ठा करे है, वो धन के प्रति अगर हम लालच करबो ना तो कबीर भगवान हमारे साथ छोड़ दे। पर धन पत्थर समझो, दूसरे के धन को आप पत्थर समझो, और पर त्रिय मात समान, काकरो स्त्री के ऊपर अगर गलत निगाह डालबो तो वो समय भगवान साथ छोड़ दे। एक ठन गलती रावण ने करे, आजकल हमेशा आजकल के आदमी हमन अपन दुख से थोड़े दुखी होथन दाई हो, आजकल के आदमी अपन दुख से दुखी नहीं हो भैया, ता दूसरा के सुख ल देख के दुखी रहते, दूसरा के तरक्की देख के दुखी होते, दूसरा को उन्नति देख के। तुम्हार चिपली डहर होते कि नहीं होते नहीं जानो, लेकिन हमार बाग बारा डहर होते मोल देखत रहो तो समझ में आई। मान लो एक आज जन ट्रैक्टर ले डरिस ना, तो सामने वाला काय कहते हैं, ट्रैक्टर लीडर इज रे गोठियाइस कैसे लगा थे, मोला तो ऐसे चल लगा थे ओकर ट्रैक्टर चला थे लेकिन एक डीजल चला थे, ओकर ट्रैक्टर चला थे लेकिन एक डीजल। भाई ओकर कर पैसा रहे कौड़ी है तो ट्रैक्टर ली, गाड़ी ली, मोटर ली, साइकिल ली, सब नहीं, ओकर तरक्की से ओकर उन्नति से एक जी जला थे। आदमी आजकल अपन दुख से दुखी नहीं हो, दूसरा के सुख ला देख के, दूसरा के तरक्की ला देख के, दूसरा के उन्नति ला देख के।
जन आदमी परोसी नेग्लेक्टेज करे पर भगवान कर तपस्या करत रही से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते वरदान मान मांगू, वो आदमी कहते भाई भगवान मांगू तेल देवे, भगवान कहते मांग तो सही, ते भगवान मोला ऐसे वरदान दे प्रभु कोई भी एक ठन चीज मोला मिले परोसी दू ठन मिल जाए, ए कोई वरदान है का? वो अपन पर नहीं मांगती लेकिन नहीं परोसी नेगलेक्ट करूं कहा थे भगवान दे घलुक दिस। अब घर में आके कहते हे भगवान मोर कर खार में खेत नहीं है ना रहे बर घर नहीं है, मोला एक एकड़ जमीन दे दे प्रभु, जैसे भगवान के कृपा से उकर कर एक एकड़ जमीन हुई तो पड़ोसी कर दू एकड़ जमीन हो गए, बिन मांगे मोती मिले मांगे न मिले भी, हे भगवान मोला एक एकड़ जमीन दे दे इसे की तो पड़ोसी कर दू एकड़ जमीन हो गए। एक दिन कहते हे भगवान मोर खेत में एक ठन बोर हो जाए, पड़ोसी खेत में दू ठन बोर हो गए। एक दिन कहते हे भगवान मोला एक ठन ट्रैक्टर दे दे, पड़ोसी घर दू ठन ट्रैक्टर हो गए। एक दिन कहते हे भगवान मोला एक ठन बेटा दे दे, पड़ोसी घर जुड़वा बेटा हो गए। एक दिन ओकर दिमाग खराब रही टेंशन के मारे कहते हे भगवान मोर एक ठन आंखें फूट जाए, पड़ोसी दोनों आंखें फूट गए। आज के आदमी अगर दुखी गए तो अपन दुख से दुखी नहीं हुए बल्कि दूसरा के तरक्की दूसरा के उन्नति दूसरा के बढ़ते हुए कदम ना देखते। लंकापति रावण ना अंगद जी समझे इसकी अंगद धर्म नीति को उल्लंघन तो ते खुद करेगा और नीति के बात करता धर्म सीलता तो जग जागी पावा तरसु हमगी बड़ भागी। धर्मशीलता के बात करता समझाई 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 रावण कठे अरे बेंद्रा जनपि सल्प जय जंतु कपि शट बिलो कि मम बाहु लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन घे तु सब राव। रावण कहा कहते मालूम है ते कौन है? अंगद कहते मैं राम के दूत हूं। दूत मतलब नौकर सेवक, सेवक अपने स्वामी के खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, सेवक अपने स्वामी के खुशी के लिए नाचता है कूदता है भीख मांगता है सब कुछ करने के लिए तैयार है। रावण कहते अरे अंगद बड़े भारी भारी बात करतास, तोर दल में मोर लाई के एकाध जन योद्धा है लड़ैया मोर टक्कर के जी मोर साथ लड़ सके ऐसे एकाध जन योद्धा है, तुम्हारे कटक मांज जन सुन अंगद मोसन भीरे कमन जो दावत एकाध जन तो बता। रावण कहते बड़ा जी अंगद कहते बड़ा अजीब से बात करता था रावण, कैसे हमार भगवान राम तोर साथ नहीं लड़ सके, मोर राम तोर साथ नहीं लड़ सके। रावण तो ओवर कॉन्फिडेंस वाला है। तब प्रभु नारी विरह बलगीना तुम्हारा राम मेरे साथ क्या लड़ेगा, होकर घर वाली रत में चोरा के ले आने हो, हाय सीता कही कही आधा ताकत होकर इसने खत्म हो गए और एकाध जन है। तांगत कथे होकर छोटे भाई लक्ष्मण तोर साथ नहीं लड़ सके। बोले अनुज तासु दुख दुखी मलीना बड़े भाई है छोटे भाई के बड़े भाई अपन घर वाली की याद में मरत है और छोटे भाई है बड़े भाई ले संभाले फुर्सत नहीं है अब एक आज जन्म बता नष्ट। अंगद कथे मैं और मोर चाचा सुग्रीव तोर साथ नहीं लड़ सकर रावण। रावण कहते तुम सुग्रीव कुल द्रुमुख दो ते हो तो चाचा सुग्रीव नदी किराने के झाड़ झड़ो खाओ कत कबीर बाढ़ ही उखड़ के फेंका जो तुमन काय मोर साथ लड़ो और कोई एकाध जन बता। अंगद कथे और तोर भाई विभीषण है तोला छोड़ के हमर डहर मिल गए वो नहीं लड़ सके तोर साथ। रावण कथे अनुज हमारे भीरो अतिशौ मोर भाई विभीषण तुम्हारे डहर गए जरूर लेकिन वो डर पोकना है हमार डर रहूं तो मर मुरा जाऊं कि वो तू हड्डा हार गए अब एक आज जन बता। अंगद कथे अब जामवंत तोर साथ नहीं लड़ सके। रावण कथे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा और ये सोई कोई जमाना में आप डोकरा हो गए हो एक रापट मार हूं गेजरा निकल जाए
अब एक आज जन बता अंगत कथे आओ नल नील तोड़ साथ नहीं लड़ सके रावण। रावण कहते शिल्प कर्म जाना ही नल नीला ओ मिस्त्री है ओ ईटा गिट्टी सीमेंट छण वाड़ के बारे में ज्यादा जानते हो मैंने पुल उल बनाना है तो संपर्क मन लड़े नहीं जाने। तांगत कथे रावण तोड़ सन लड़ने वाला हमारे राम दल में कोई चीज नहीं है। रावण न ही की कहूं कहा अचानक याद आई रावण ला बोले है अंगद गलुक ठाड़ सुखा गया अरे बाप रे अतका जन बेंद्राम काकरो तारीफ नी करी रावण हम ये वो कौन है। अंगद कथे नाम बता रावण रावण कथे नाम ला तो नहीं जानो तब कर काम बता। तब रावण की से आवा नगर आवा प्रथम नगर जे ही जा रहा पहली बार मोर लंका आई से मोर लंकल जलाक चल दिस हुई एक जन माइक ले औलाद है माइक लाल के औलाद है बाकी तुम सब डब्बे का दूध पिए हो। वो दिन ले रावण के दिली इच्छा रही से भारी इच्छा करे कि एक बार तो हनुमान से मिलते वैसे की के लड़ते वैसे की के। अब्बर दिन के बाद बताते हो एक दिन खोजत खोजत चल गलू दिस रावण तब उतका बेर हनुमान बैठे रहे। अब रघुपति राघव राजा पति सीता सुमर सुमर कर पावन नामो अपने बस कर राखे राम। वो तो हमेशा राम के नाम पे लीन रहने वाला है हनुमान जी। रावण खोजत खोजत चल दिस हनुमान सन लड़ू की के रावण कथे हनुमान हनुमान कथे काय रावण रावण कथे चल तोर मोर लड़ाई हो जाए। हनुमान कथे बहु तो अंजनी के बेटा है हनुमान कथे चल। अब हनुमान भी खड़े हो गए तो हनुमान कथे कैसन वाला लड़ाई रावण तहू शक्तिशाली है सब मोरू ऊपर भगवान राम की कृपा गे ये तो अब्बर दिन ने लड़त रहो कैसन वाला लड़ाई। रावण कहते अरे कैसन वाला छोड़ एक एक मुटका का शर्त। रावण की हनुमान जी ते मोला एक मुटका मारबे मैं तोला एक मुटका मारू। हनुमान जी कथे मंजूर है तो रावण कथे टास वास करवो का चीटपट काकर बेटिंग पहली काकर बलिंग बाद में कौन पहली मारी। हनुमान जी महाराज कथे अरे टास वास ले छोड़ रावण चल मार ते पहली मार मोला। रावण कथे मैं काबर पहली मार हूं ते काबर नहीं मारस। हनुमान जी कथे मैं मार मुराद हूं का मालूम तोर पारी आही नहीं आही कोई ठिकाना नहीं चल मार फालतू बात करतस अमूल देखत रहो तो समझ में आई। अब हनुमान और रावण दोनों जने एक जगह खड़े उड़ाई रावण मुक्का हनुमान जी ने मारे बार तो बहु रावण है भैया चलत दसानन डोलत अवनी। रावण जब रहिए ना तो भूया कहां पे कथे एक गांव तुम्हारे छिपली गांव कहां पे रही सोत कबे सूते रहे हो तू मने ईमान से हद का पावरफुल है। उड़ाई रावण मुक्का और उठा का जोर से बरसाई हनुमान जी के पीठ में लेकिन जग रखे साईया मार सके ना को बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो जग रखे साईया मार सके ना को। मुक्का रावण और हनुमान जी के पीठ में असर जोर से मारी लेकिन वाह हनुमान कभी न टेक कभी भूमि गिरा न तेगी घुटना टेक के इसे खड़े हुए हनुमान हदाई हो टेढ़गा तक नहीं हो। रावण ऐसे आखिर रामान जी के देखा था अपन मुटकल ऐसे देखे और हनुमान जी देखे बाप रे अतको जोर से मारे फिर ये बेंद्रा टस के मास नहीं हो इसरे ज्यों त्यों खड़े उसने कहते छे और हनुमान जी महाराज टांग ले खड़े हो गए। हनुमान जी कहते रावण अब ते सावधान हो जा मोर पारी आगे। रावण कहते सावधान हन भैया एक एक घाक पारी री से हमर तो कट गए अब लेन ते कैसे कर बे तो मोल देखत रहा था समझ में आई। अब हनुमान और रावण एक जगह खड़े अब हनुमान जी महाराज अपन मुक्का उठे
बाल समय रविभक्ष लियो तब तीन लोक भयो अधियारो ताकि सुतास भयो जग को यह संकट काहु सजात नटारो देवन आन करीब नीति तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत गए जग में कभी संकट मोचना आपन तेज समारो आपे तीन लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे अब हनुमान जी महाराज मुक्का उठे अपन मुटका ला रामल्ला मारे भर तो वो दोनों जन एक जगह नहीं खड़े हैगा तो हनुमान जी के मुटका इसे धीरे 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 इसे उठत रहा है ना तो रावण वो कर मुटकल देखत रहा है कर मुटका कहाँ जाते रहे हनुमान के मुटका उठ गए और उठे के बाद में आबक तबक हनुमान जी महाराज रावण के पीठ में बरसाहू कहा से पूरा 33 कोटि देवी देवता आकाश ले घबरा गए और सब जन कथे रोको हनुमान जी रोको मारन मत दो रोको अरे रोको भैया रोको काबर अरे अभी फिल्म पूरा नहीं हो गए और साइड हीरो हाथ में खलनायक कहीं मार गए तो पूरा पिक्चर बर्बाद हो जाए पूरा पिक्चर आ रही रावण ला मारे बार तो राम हाथ हैगा अब ये हनुमान जी मार दी राम राम का बैंड वाले वाले ही कि राम काय करे पूरा फिल्म बर्बाद हो जाए 33 कोटि देवी देवता मन आके हनुमान जी के हाथ लाई से बांध दे ओकर बाद बीमारी हनुमान जी है जन व्याख्याकार बहुत बढ़िया व्याख्या कतरा 17 रात और 17 दिन ले खोर्रा खटिया में गोरसी लेक सूते रही कथे रावण कब जागी जे दिन तुम्हारे गांव छिपली में तुलसीदास जयंती रामायण कराए ते दिन जागी रावण तो अतका बेज्जती महसूस करे के बाद भी लंकापति रावण ला थोड़ा भी शर्म नहीं है समझात है सत्य वचन कहु निश्चरना और सोचो किस किन पुरदा रावण नगर अल्प कपीत गही और सुनियस वचन सत्य को कहे अंगत के इस रावण जे बेंद्रा के ते तारीफ करा था वो तो मोर राम के एक जन दूत है एक जन सेवा के राम के एक जन दूत था तोर नजर के सामने तोर देखत देखत तोर रत्ता ला जला दीस अते ओकर कुछ नहीं बिगाड़ सके जब ओकर नौकर से जे नहीं निपट सके तो बता मालिक से कैसे निपट बे रावण मालिक से कैसे निपटबे ओकर कारण मैं निवेदन करत हूं कि माता सीता ला भगवान के हवाले कर दे बार बार समझाए के प्रयास करत है आओ अपने भजन में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।